नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। खबर है करनाल की, जहां स्वराज इंडिया पार्टी की ओर से आज सेक्टर 12 में बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य प्रवक्ताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जिससे कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 विषय पर बहस की जानी थी, परंतु मुख्यमंत्री के ना पहुंचने पर कार्यक्रम स्थल पर उनकी कुर्सी खाली रखी गई। इस मौके पर स्वराज इंडिया पार्टी के सुप्रीमो योगेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, परंतु मनोहर लाल खट्टर सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसे बेरोजगार युवा रास्ते से भटक रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए भी सरकार कोई नई नीति नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम सिटी में यह कार्यक्रम इसलिए रखा था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए एक बहस की जाए, ताकि कोई नया रास्ता निकल कर आ सके, परंतु मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और ना ही उनका कोई नुमाइंदा इस कार्यक्रम में पहुंचा। इसलिए सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जिसको स्वराज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाएगी और जन जन तक पहुंचाकर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वराज पार्टी के अन्य बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लग रहा हो कि क्या बताऊंगा मैं जनता को, बताने लायक तो इस सवाल पे है ही कुछ नहीं। हो सकता है पिछले कई दिनों से जो आंकड़े जो तथ्य हम जनता के सामने रख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की भी निगाह उस पे आ गई हो और समझ आ गया हो कि इसका कोई जवाब नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने सोचा हो कि किसी को भेजने का फायदा नहीं है, फजीहत ही होगी। ये लोग आंकड़ों से तैयार होके आते हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो मेरे प्रतिनिधि को जवाब देना नहीं आएगा। पिछले 8-10 दिन में एक दो बार टीवी पे भी बीजेपी वालों से मुलाकात हुई है और उनसे मैंने वही सवाल पूछे हैं और कोई जवाब देते उनसे नहीं बना। शायद इसलिए किसी को ना भेजा हो। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं शुरू में कि क्यों हमने आज अपनी इस जन सरोकार यात्रा का समापन सिर्फ रोजगार के सवाल पर किया है। स्वराज इंडिया तमाम मुद्दे उठाती रही है, यहां पे आप देख सकते हैं हम बेरोजगारी के साथ साथ किसान का मुद्दा उठाते रहे हैं, हम शराब के ठेकों का सवाल उठाते रहे हैं, हम शहरों में बुनियादी सुविधाओं का सवाल उठाते रहे हैं, हम भ्रष्टाचार का सवाल उठाते रहे। तो इस जनसरोकार यात्रा के अंत में केवल और केवल एक मुद्दा क्यों, केवल रोजगार का मुद्दा क्यों? वो इसलिए कि आज रोजगार का सवाल इतना बड़ा संकट बन गया है। ये बाकी सब जो मुद्दे हैं संकट हैं, बड़े संकट हैं, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, पड़ोस में भी है, आगे भी है, पीछे भी है, एक साल पहले भी थे, एक साल बाद में भी है, लेकिन ये जो रोजगार का संकट है ये अब खतरे की लाइन को पार कर चुका है। बाढ़ के समय कहते हैं ना, नदी अब खतरे के जल स्तर, अब नदी का खतरे के स्तर से ऊपर हो गया है। आज हरियाणा में जो रोजगार की स्थिति है, जितनी भयानक बेरोजगारी है, ये अभूतपूर्व है। मैं नहीं जानता इस देश के किसी भी राज्य में इतनी ज्यादा बेरोजगारी किसी एक समय पे रही होगी जितनी आज हरियाणा में है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.